अल्लामा इस्माइल हक्की ने हदीस लिखी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तफसीर रूहुल बयान में मौजूद है, कहती है एक दिन हुजूर अचानक मेरे साथ आराम फरमाते बिस्तर से उठे निकल गए। हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो कहते अबू बकर की बेटी हक तेरा है, वक्त तेरा है, पर अगर तू इजाजत दे तो मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं। आज हुजूर ने पूछा ही नहीं, बिस्तर से उठे चले गए। कहती मैं उठी, मैंने दाएं बाएं देखा, महबूब नजर ना आए, हुजूर की तामद इस्तेमाल शुदा पड़ी थी, वो तामद मैंने उठा के ओढ़ ली और मैं निकल गई हुजूर को तलाश करने। कहती हैं जब मैं बाहर गई मस्जिद नबी शरीफ के साथ जन्नतुल बकी की जानिब, नबी पाक सजदे में थे। कहती हैं मैं गई, थोड़ी देर खड़ी हुई, हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा तू कौन है, मैंने कहा मैं आयशा हूं, तो महबूब ने फरमाया ये आयशा कौन है, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी जौजा, फरमाया जौजा क्या होती है, या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की बेटी, तो नबी पाक ने फरमाया ये अबू बकर कौन है। हजरत आयशा कहती है मेरा कलेजा फटने को आया, मैं वहां से परेशान हाल वापस आई, जब मैं गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश थी, वापस लौटी तो फिर भी हल्के हल्के कतरे बारिश के गिर रहे थे, मैं आके हामती कामती बैठ गई, थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ ले आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो आयशा क्या हुआ, कहा हुजूर आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ, या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई, हुजूर अजीब बात है मैं गई हूं आपने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मैं आयशा, का आयशा कौन आपकी जौजा, फरमाया जौजा कौन, अबू बकर की बेटी, का अबू बकर कौन, और फिर हुजूर मैं गई हूं तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए तो कपड़े खुश्क हैं, समझ नहीं आई, तो लफ्ज सुनो हदीस के, नबी पाक ने फरमाया आयशा ली माल्ला है वक्तुन, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है, किसके साथ, आज मेरा दोस्तों के साथ वक्त है, आज मेरा घूमने का वक्त है, आज मेरा खुशगपियों का वक्त है, आज मेरा सियाहत का वक्त है, आज मेरा पिकनिक का वक्त है, मेरे नबी पाक ने फरमाया ली माल्ला है वक्तुन, आयशा मेरा अपने अल्लाह के साथ, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है, उस वक्त ना वहां कोई फरिश्ता आ सकता है, ना कोई नबी और मुरसल आ सकता है, जब फरिश्ता और नबी नहीं आ सकते तो आयशा और अबू बकर कैसे आ सकते हैं, तो कहा यार सुल्ला फिर वहां होता कौन है, तो हुजूर फरमाने लगे एक मैं होता हूं, दूसरा मेरा रब होता है, तीसरा कोई मौजूद नहीं होता। उम्मत को दर्श दिया एक वक्त 24 घंटों में ऐसा लाया कर जिसमें तू अपने रब को दुखड़े सुनाए, जिसमें तू दुआएं मांगे, जिसमें तू अर्ज और नियाज करे, इसमें तू अपने गुनाहों की माफी चाहे। आला हजरत के वालिदे गिरामी से किसी ने पूछा मौलाना नकी अली खान साहब से कि हजरत जी फिरौन 500 साल ही हुकूमत कर गया, 500 साल ही हुकूमत कर गया, अल्लाह का मुकाबला करने वाला पक्का काफिर बेईमान, तो आप फरमाने लगे मुल्ला रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फिरौन उठ के मसल्ले पे बैठता था, कहता था या अल्लाह माफ कर दे, रब तो तू ही है, गुनागार बड़ा हूं पर मेहरबानी कर, रोज माफिया मांगता था, तो रब करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी कारी जाए तो अच्छा है, अल्लाह ने मोहलत दी, और मेरे भाई अगर तू रोज रात मुसल्ले पे बैठे तो तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए, अगर तू अपने रब के साथ तन्हाई करे तो अल्लाह तुझे मोहलत दे, सजा ना दे, लेकिन हम ये वक्त निकालते ही नहीं, अल्लाह के साथ मैयत का हमारा मिजाज ही नहीं। तिर्मिजी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते, तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है, दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, पर मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना, इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना, अगर तू अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा, धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती, अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा कहने लगी हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश मुझ पे पड़ी आप पे पड़ी नहीं, तो कहा आयशा तुमने उड़ा क्या था, कहा हुजूर आपकी तामद, फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामद ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई, तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती, जाली चूमने से क्यों नहीं बरसती,
جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟